अक्सर आम का पन्ना बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पर आज हम इस आम पन्ने को बना के एक बार में ही बना के रख लेंगे और पूरी गर्मी जो है इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 2 आम। इसे अच्छे से धो लेंगे, 1 गिलास पानी डालेंगे, कुकर का ढक्कन लगाएंगे, मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी बाद जो है मैं आम को निकाल ली थी और जब हल्का गर्म था उसी समय इसका छिलका निकाल ली हूँ और ये जो है अब अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसके जो है सारे पल्प को इस तरह निकाल लेंगे। ठंडी होने के बाद में जब हम इसे मिक्सी में डालते हैं तो आराम से पिसाता है, जब गर्म रहे तो मिक्सी का ढक्कन जो है अक्सर खुल जाता है, तो जब भी मिक्सी में डालें तो ठंडी चीज़ डालें। तो अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा अदरक और बहुत सारा पुदीना। पुदीना डालने से जो है इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो सबको हम ये चटनी वाली जार जो है इसमें डाल देंगे, साथ में यहाँ पे मैंगो के पल्प जो है इसे भी डाल देंगे और बिना पानी के ही हम इसे पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे पीस ली हूँ। तो अब हम इसे एक पैन में डाल देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और सारे इस मिक्सर को पैन में डाल देंगे। तो यहाँ पे आप इसे चाहे तो सिर्फ गुड़ या सिर्फ चीनी से बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे गुड़ और चीनी दोनों का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे लेंगे हम 3 से 4 बड़े छोटे साइज के गुड़ के पीसेस और 2 टेबल स्पून चीनी, साथ में 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच नॉर्मल नमक और 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला। मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम अच्छे से पकाएंगे। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो इसका कलर जो है चेंज होने लगता है गुड़ की वजह से। अगर आप चीनी डालेंगे तो इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये अच्छे से पक चुका है और इसके बड़े बड़े देख सकते हैं बबल्स भी आने लगे हैं। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा करके किसी भी एयर टाइट डब्बे में करके फ्रिज में आप रख के इसे आराम से 2 से 3 महीने इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अब जो है अच्छे से ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी गाढ़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो आप चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 2 सर्विंग ग्लास। इसमें हम 1-1 टेबल स्पून डाल देंगे ये मैंगो के पल्प को। इससे जो है ये ख़ास तौर पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि ये खट्टी और मीठी लगती है। नॉर्मल ठेले पे जो मिलती है वो अक्सर खट्टी और थोड़ी स्पाइसी रहती है। तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं शेयर करूँगी। तो साथ में आइस क्यूब डालेंगे और 3 से 4 फ्रेश पुदीना डालेंगे और अब हम इसमें 1/2 ग्लास जितना पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो ठंडे पानी का यूज कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नॉर्मल पानी जो है उसी का यूज कर रही हूँ क्योंकि आइस की वजह से वो ऑलरेडी ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा आम का पन्ना जो है बनके तैयार हो चुका है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ और अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।